हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एंड आई विश टू गॉड यू ऑल आर बी फाइन। आई एम दिग्विजय सिंह, आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास 7, टॉपिक डेटा हैंडलिंग। इन प्रीवियस वीडियो आई विल टॉक अबाउट व्हाट इज डेटा, व्हाट इज रॉ डेटा, व्हाट इज अरेंज डेटा, व्हाट इज प्राइमरी डेटा, व्हाट इज सेकेंडरी डेटा, व्हाट इज रेंज, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। दीज थिंग्स विल बी ब्रीफली डिस्क्राइब बाय मी। नाउ इन दिस video I will teach you how can you make a frequency distribution table। हम कुछ नंबर यहां ले रहे हैं, मान लीजिए 50 बच्चों का टेस्ट हुआ, हम नंबर ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 50 स्टूडेंट का टेस्ट हुआ 20 मार्क्स का, तो कोई इसमें 10 पाया, 9, 15, 10, 9, 8, 0, 2, 80, 80, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद मान लीजिए नंबर है 90, 20, 10, 80, 90, 20, 8, 10, 9, 10, 20, 20, 20, 15, 16, 17, 18, 20, 20, 10, 10, 10। हम 30 फ्रेंड लेते हैं, मान लीजिए 30 टोटल है। तो अब इसकी टेबल कैसे तैयार करें, ध्यान रखिए। अब इसमें क्या करेंगे कि यहां पे लिख लेंगे 0 से लेके 20 तक का। एक तरह से हम बता दें 0 से लेके 20 तक का। तो अब इसमें 0 एक टैली मार्क्स होता है, ना समझिएगा। टैली मार्क्स क्या होता है उसको समझिए। 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, ये टैली मार्क्स होता है। 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 1, 2, 3, 4 लाइन, 5 के लिए 1, 2, 3, 4 लाइन और एक डायमंड लाइन, 6 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से टैली मार्क्स, इसका यूज क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 0 लिया, यहाँ पे 0 ले लिया और यहाँ पे हमने 2 ले लिया और फिर इसमें जो भी है हमको जहां तक लग रहा है, चलिए 10 ले लिया और फिर 15 ले लिया, 18 ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें देखेंगे ये 10 है, 10 के आगे 1 लाइन, 9 है तो 9 यहां कर दीजिए, 9 के आगे 1 लाइन, 15 है 15 के आगे 1 लाइन, 10 है 10 के आगे 1 लाइन, देख रहे हैं ना, एक लाइन और ड्रा कर दें, 9 है तो 9 के आगे 1 लाइन, 8 है 9 के पहले 8 कर दीजिए, तो 8 का देखिए ये इसका इसका जा रहा है, ठीक है। फिर 0 है 0 के आगे 1 लाइन, 2 है 2 के आगे 1 लाइन, 18 है 18 के आगे 1 लाइन, फिर 18 है 18 के आगे 1 लाइन ड्रा कर दीजिए, फिर 19 है 19 के आगे 1 लाइन, फिर 20 है 20 के आगे 1 लाइन, फिर 10 है 10 के आगे, फिर 18 है 18 के आगे, 19 है 19 के आगे, 20 है 20 के आगे, 8 है 8 के आगे, देखते रहिए, 10 है तो 10 के आगे, 9 है तो 9 के आगे, फिर 10 है तो 10 के यहां, ऐसे कर देंगे पांचवा के लिए, 20, 20, 20 तीन बार है तो 1, 2, 3 ये हो जाएगा, यानी कि 6 के लिए 6 लाइनें, 4, 5वें के लिए, फिर 20, 20 हो गया, फिर 15, 15 के, फिर 16 है तो 16 यहां कर लीजिए एक लाइन, 17 है इसको हम करते रहे 18 छोड़ दीजिए, 18 के आगे एक लाइन कर लीजिए, फिर 20 है 20 के आगे एक लाइन और, फिर 20 है एक लाइन और, फिर 9 है 9 के आगे कर लीजिए। अब देखिए, अब आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
टू मार्क्स पाने वाला वन बच्चा है, एट मार्क्स पाने वाला टू बच्चा है, नाइन मार्क्स पाने वाला फोर है, टेन मार्क्स पाने वाला फाइव है, फिफ्टी मार्क्स पाने वाला टू है, सिक्सटी मार्क्स पाने वाला वन है, एटीन मार्क्स पाने वाला फोर है, नाइनटीन मार्क्स पाने वाला टू है और ट्वेंटी मार्क्स पाने वाले बच्चे सिक्स है। देखिए अब सबको ऐड कर लें, वन वन टू टू फोर फोर एट फाइव थर्टी टू फिफ्टी वन सिक्सटीन फोर ट्वेंटी और ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू सिक्स ट्वेंटी एट। लेकिन यहाँ कितने हैं टोटल देख लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी क्या हो रही है कि ये टोटल 28 आ रहा है, कुछ छूट रहा होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। देखिए 18 कितना है इसमें, 18 चार है, 18 वन टू थ्री फोर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कोई नंबर जो छूट रहा है इसमें, ठीक है, क्या छूट रहा है देखते हैं। 10 जो है दो बार है यहां पे, 10 दो, अब कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है बेटा, दो दो चार चार आठ पांच तेरह दो पंद्रह सोलह चार बीस और अट्ठाईस, दो नंबर कहीं गड़बड़ हो रहा है। सेवन थोड़ पे है, नाइन जो है आपका चार बार है, वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब इसमें कोई नंबर जो छूट रहा है, 15 जो है वन टू 15 टू है सही है, 16 इसमें 16 वन बाय टाइम है ठीक है, और 79 18 चार बार है, 18 टू थ्री फोर फाइव 18 फाइव टाइम्स है, 18 जो है फाइव टाइम्स है। देखिए अभी एक और कोई गड़बड़ है, 19 देख लेते हैं, ठीक है, 19 वन टू टू और 20 देख लेते हैं, 21 टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 27 देखिए, अच्छा हमने गलत लिखाया 7। अब आप सबको ऐड करेंगे, 1 1 2 ये 5 2 7 पहले था ही, 1 1 2 2 4 4 8 5 13 2 15 1 16 5 16 5 21 21 2 23 या 7 30, टोटल कितना हो गया 30। इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करते हैं, इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से बात। तो ये टैली मार्क्स की जैसे माने कि आप ऐसे काउंट करते रहे 10 10 10 तो गलत हो जाता है, 10 10 के आगे लाइन ड्रा कर दे, 9 9 के आगे लाइन ड्रा कर दे, 15 15 के आगे लाइन ड्रा कर दे, 10 10 के आगे लाइन ड्रा कर दे, 9 9 के आगे 9, 8 8 के आगे, 0 0 के आगे। तो इस तरह जब काउंट करके लिख देंगे तो आपका इजिली तैयार हो जाएगा फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो ये किस तरीके से फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार होता है आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे जब हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी की। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, टू फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। माध्यमिक मान जो होता है सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, कि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं, मीन मीडियन और मोड। जैसे इसके पहले हमने बताया दिख रहा है, यहां पे आप देख रहे होंगे सबसे अधिक बार 20 लिखा गया था, 20 कितना था 7 था, वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, 27 टाइम्स उसमें जो हमने इंफॉर्मेशन लिखा था उसमें 27 टाइम्स लिखा गया था, यानी 20 की फ्रीक्वेंसी क्या थी 7 थी। तो जिस टर्म की जिस ऑब्जर्वेशन की 20 क्या था उसका एक ऑब्जर्वेशन एक टर्म, तो जिस टर्म की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वह टर्म ही मोड कहलाता है, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट टर्म हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी।
वह टर्म जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है मोड होता है। ध्यान रखिएगा, मोड क्या होता है, जिस टर्म की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो मोड कहलाता है। मोड हो गया। मीन क्या होता है, मीन एरिथमेटिक मीन, मीन इज इक्वल टू होता है सब ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन, ये यूनिक फार्मूला होता है। इस तरह ये ओरेज निकालते हैं। ओरेज क्या है, जैसे मान लीजिए कि पांच सब्जेक्ट का आपका टेस्ट हुआ, मैथ्स हिंदी इंग्लिश साइंस एसएसटी, मैथ्स मिला आपको 15 मार्क्स, ठीक है, हिंदी मिला आपको 12 मार्क्स, इंग्लिश मिला आपको 18 मार्क्स और साइंस मिला आपको 15 मार्क्स और एसएसटी मिला आपको 10 मार्क्स। तो अब टोटल मार्क्स कितने हुए, 70। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 70। 5 × 7 = 15 × 5 = 20, 3, 1, 4, 5, 6, 7। अब आप जाके घर पे कहेंगे कि मुझे 5 सब्जेक्ट में 70 नंबर मिले हैं, आई हैव गॉट 70 मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट। तो लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब पर सब्जेक्ट तुमने 14 मार्क्स लाए। ये एवरेज हो गया 70/5, 14। ये एवरेज हो गया, या इसी को मीन कहेंगे। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन सर। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 + 12 + 18 + 15 + 10 70 हो गया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 70/5 = 14। ये इसका मीन हो गया, ये इसका एवरेज हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल और ले सकते हैं, मान लीजिए आप गए बिग बाजार, 500 रुपया लेके गए बिग बाजार का, ठीक है, और 500 रुपया लेके गए तो आपने क्या किया, 250 का एक सामान खरीदा, 100 रुपये का एक सामान खरीदा, 75 रुपये का एक सामान खरीदा और 25 रुपये का एक सामान खरीदा, ठीक है, कितना हो गया, 100, 200, 450, 50 रुपये का एक सामान खरीद लिया। तो टोटल 500 रुपये की वाट लगा दिया, ठीक है ना, सभी लोगों ने लगा दिया 500 रुपये की वाट, वापस कर दीजिएगा 500 रुपये, ठीक है। तो अब 250 का एक सामान खरीदा उन्होंने, 100 रुपये का एक सामान खरीदा, 75 का एक, 25 का एक, 50 का एक। आप जब वो झोल बैग लेके बाहर निकले तो भाई बाबा जब सीधा आ रहा है, बाबा आज तो मैं 500 रुपये में 5 सामान खरीदा। तो जैसे ही आप बाहर निकले आपका कोई फेवरेट मित्र मिल गया, ओए भाई तुम कहाँ हो, टिंकू चिंकू पिंकू रिंकू, ओए बोलो मत, आज तो हम 500 रुपये में 5 सामान खरीदे। तो तुरंत बोलेगा कि इसका मतलब तुम्हारा सामान 100 रुपये का एक है, दैट इज एवरेज। इन सबको ऐड करके 500/5 यानी 100, यही मीन हो गया, मीन हो गया या एवरेज हो गया, समझा गया ना। इस तरीके से मीन या एवरेज निकालते हैं। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे समझा सकें। हमने आपको मीन और मोड दोनों बता दिया, इसके बाद हम मीडियन बताएंगे, लेकिन वो पहले मीन पे कुछ क्वेश्चन लगाने के बाद, मीन के कुछ क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो मीन के कुछ क्वेश्चन है जो 16A में है, ये चैप्टर 16 आपका है, तो 16A हम सॉल्व करवाएंगे और इसी में सॉल्व करवा देंगे। इससे आप पूरा वीडियो देखकर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और करवाइएगा, ताकि हमारा भी काम होता रहे और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुधार, मुख व्यक्ति भी है तो अभ्यास करते करते वो महान बन जाता है, विद्वान बन जाता है। जैसे रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, तो बेटा बहुत बड़ा लोहे का हो चाहे पत्थर का हो, अगर रस्सी उस पर बार बार घिस रही है तो लोहा भी घिस जाता है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नाउ आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। शानदार शानदार जबरदस्त तरीके से रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।